टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी विच वॉज गिवन बाई इवान पैबलव एंड जॉन वाटसन इवान पैब्लब एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी सबसे पहले जॉन वाटसन इवान पैब्लव की थ्योरी से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन दोनों का जो वर्क था उसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सो लेट स्टार्ट सो इवान पैबलव जो थे रशियन साइकोलॉजिस्ट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डॉग्स के ऊपर जिसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी दी तो उन्होंने क्या किया एक हंग्री डॉग को एक टेबल पे रखा गया विथ सर्टेन मैकेनिकली कंट्रोल्ड डिवाइसेस यानी कि उसे बांध दिया गया था एंड देयर वाज एन ऑटोमेटिक फिनोमेना ऑफ गिविंग फूड और उस डॉग को जो फूड मिलता था वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक फिनोमेना से मिलता यानी कोई भी उसके सामने नहीं आता था बट ऑटोमेटिक तरीके से उसे फूड दिया जाता था एवरी टाइम अटेंडेंट ब्रिंग फूड अ बेल वॉज रिंग हर बार जब भी अटेंडेंट फूड लेकर आता था तो साइमल्टेनियसली एक बेल बजाई जाती थी और डॉग का रिस्पॉन्स क्या होता था डॉग रिएक्ट टू दैट विद सिलाइवेशन। डॉग सेवा प्रोड्यूस करता था डॉग के मुंह में पानी आ जाता था जैसे ही डॉग खाने को देखता था और ये जो एक्टिविटी थी ब्रिंगिंग फूड अलॉन्ग विद द बेल वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम मतलब खाना आ रहा है उसके साथ बेल भी बज रही है तो इस एक्टिविटी को बहुत बार रिपीट किया गया और आफ्टर सम ट्रायल्स कुछ ट्रायल्स के बाद डॉग का माइंड कंडीशन हो गया और उस टाइम पर बेल बचते ही क्या होता था डॉग का सलाइवा प्रोड्यूस होता था यानी कि डॉग ने अब उसने बेल को भी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसका माइंड जो था वो कंडीशन हो चुका था एंड इवन इफ द बेल डिड नॉट रैंग अगर बेल रैंग भी नहीं होती थी तब भी वो क्या करता था जैसे लाइट जगती थी तो भी उसका सलाइवा प्रोड्यूस होता था और इवन की अटेंडेंट के फुट स्टेप्स के भी वो सलाइवा प्रोड्यूस करता था तो डॉग का माइंड इस तरह से कंडीशन हो गया था बहुत सारे उसको स्टिमुलस मिलने शुरू हो गए थे जिस पे उसका रिस्पॉन्स निकलना शुरू हो गया था इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल स्टिमुलस जो कि फ़ूड था नेचुरल स्टिमुलस था फ़ूड और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या था सलाइवा ठीक है अगर उसकी एब्सेंस में नेचुरल स्टिमुलस की एब्सेंस में भी डॉग ने क्या किया दूसरे स्टिमलस को रिस्पॉन्ड किया ठीक है सो ये था एक्सपेरिमेंट पैवलव का जो पैवलव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ टर्म्स निकल के आई कुछ एलिमेंट्स दिए पैवलव ने लर्निंग के लिए सो so, इसमें जो फर्स्ट है वो है अनकंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब है नेचुरल स्टिमुलस ठीक है नेचुरल स्टिमुलस मतलब जो नेचुरली हमें स्टिमुलस मिल रहे हैं और नेचुरल रिस्पॉन्स निकलता है ठीक है तो डॉग के केस में जो नेचुरल स्टिमुलस था वो क्या था फूड मतलब खाने को देखेंगे उसके मुंह में पानी आएगा ठीक है तो वो एक नेचुरल स्टिमुलस था और सलाइवा प्रोड्यूस करना जो था वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स था ठीक है सो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आई है अनकंडीशन रिस्पॉन्स ठीक है जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको क्लासरूम के एग्जाम्पल से ले रिसस की बेल होती है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो जो बेल है रिसस का बेल है दैट इज अ नेचुरल स्टिमुलस एंड द एक्साइटमेंट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स इन स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स इवन कि अगर हम हंग्री हैं तो खाना देख के हमारे भी मुँह में क्या आता है पानी आता है तो द फूड इज़ द नेचुरल स्टिमुलस एंड द सलाइवा इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स सो ये हो गया नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर आई वो निकल के वो आई कंडीशन स्टिमुलस मतलब आर्टिफिशियल स्टिमुलस यानी कि नेचुरल स्टिमुलस तो था फूड वो हंग्री था खाने को देख के उसे सलाइवा उसका प्रोड्यूस हुआ ठीक है बट आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी उसे एक दिया गया यानी कि बेल बजाई गई हर बार अब जैसे ही बेल बजती थी तो उसको लगता था कि खाना आने वाला है तो जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था वो था वहाँ पर बेल और ये माइंड को कंडीशन करने में तभी हेल्प करता है जब इसको नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट किया जाए ठीक है ये नहीं कि खाना पहले आ रहा है और बेल आधे घंटे बाद बज रही है तो वो दोनों का एसोसिएशन नहीं बन पाएगा ठीक है तो जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो तभी वर्क करता है जब उसको नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट किया जाता है टू कंडीशन द माइंड ऑफ द लर्नर लर्नर के माइंड को कंडीशन करने के लिए अब कंडीशनड रिस्पॉन्स इज द आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स अब आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स क्या है अलर्टनेस जैसे ही बेल बजती थी डॉग क्या हो जाता था अलर्ट हो जाता था क्या तो दैट इज द आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स ये चारों एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं तो इसमें क्या होता है जो नेचुरल स्टिमुलस है उसके साथ आर्टिफिशियल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है और एक नेचुरल रिस्पॉन्स इवोक किया जाता है ठीक है बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है जो नेचुरल स्टिमुलस जो है एलिमिनेट भी हो जाता है तो भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस नेचुरल स्टिमुलस की तरह काम करता है और नेचुरल रिस्पॉन्स को क्या करता है इवोक करता है दिस इज द कंक्लूजन ऑफ पैबलवस एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वॉटसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया वो एक इलेवन मंथ्स के बॉय के ऊपर किया जिसका नाम था अल्बर्ट रेबिट दिया गया प्ले करने के लिए और अल्बर्ट गॉट प्लेजर इन टचिंग इट्स फॉर अब कुछ दिन बाद जब चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद द रेबिट क्या एक लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस की गई इंटेंशनली टू फ्राइटन द चाइल्ड ठीक है उस बच्चे को डराने के लिए इंटेंशनली एक लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस की गई ठीक है और ये जो लाउड नॉइज़ थी ये हर बार प्रोड्यूस की गई एवरी टाइम चाइल्ड टच इज़ द फर ऑफ द रैबिट जब चाइल्ड रैबिट को जैसे ही टच करता था उसी टाइम जो थी लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस की गई ये जो कंटिन्यूस बिहेवियर था उसने क्या किया चाइल्ड के मन में डर बिठा दिया रैबिट्स के लिए ठीक है इवन कोई भी वाइट चीज़ वो देखता था फर लाइक -like चीज़ तो उससे वो डरना शुरू हो गया यह भी क्या था एक कंडीशनिंग टेक्निक थी ठीक है रैबिट जो था वो एक नेचुरल स्टिमुलस था और उसके साथ एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को प्रोड्यूस किया गया दैट इज़ द लाउड नॉइज जिसकी वजह से जो उसका रिस्पॉन्स था वो क्या हो गया चेंज हो गया उसके मन में एक इमोशन डेवलप हो गया फियर का उस चीज़ के प्रति जो नेचुरल के साथ आर्टिफिशियल स्टिमुलस बनाया गया था ठीक है तो उसे डर लग रहा था वो तो उसको आर्टिफिशियल स्टिमुलस की वजह से लग रहा था दैट इज़ द लाउड नॉट उसकी वजह से उसने जो नेचुरल स्टिमुलस था उसके प्रति भी उसका फेयर का इमोशन आ गया ठीक है सो so, ये वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का दैट लर्निंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट बेस्ड ऑन एसोसिएशन एंड सब्सीट्यूशन ऑफ स्टिमुलस वो बोलते हैं कि लर्निंग एक हैबिट फॉर्मेशन है जो कि एसोसिएशन एंड सब्सीट्यूशन पे डिपेंड करती है जैसे कि नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस को जब हम एक साथ प्रेजेंट करते हैं लर्नर के आगे तो उसका माइंड क्या हो जाता है कंडीशन हो जाता है आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो एक्ट करने लग जाता है नेचुरल स्टिमुलस की तरह स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन होता है एंड नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो हम उनको देते हैं एक ही साथ उनका सब्सिट्यूशन हो जाता है लर्निंग इज़ एस आर मैकेजम स्टिमुलस रिस्पॉस मैकेनिज्म वेयर इज़ नेचुरल स्टिमुलस अलॉन्ग विद एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस इवॉक द नेचुरल रिस्पॉन्स यानी कि अगर उन दोनों को साथ में प्रेजेंट किया जाता है नेचुरल स्टिमुलस को और आर्टिफिशियल स्टिमुलस को जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो भी नेचुरल रिस्पॉन्स को इवॉक कर सकता है द माइंड इज कंडीशन इन सच अ वे दैट आर्टिफिशियल स्टिमुलस रिप्लेस द नेचुरल स्टिमलस की माइंड को इस तरह से कंडीशन इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस अब क्या कर सकता है नेचुरल स्टिमुलस को रिप्लेस कर सकता है यानी कि वो ही नेचुरल स्टिमुलस का काम भी कर सकता है जो हम पहले उसको आर्टिफिशियल स्टिमुलस दे रहे थे द आर्टिफिशियल स्टिमुलस कैन फंक्शन एज अ नेचुरल स्टिमुलस ओनली वैन दे आर प्रेजेंटेड एट द सेम टाइम जब उनको एक ही बार में प्रेजेंट किया जाए एक साथ प्रेजेंट किया जाए आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है वो नेचुरल रिस्पॉन्स को इवॉक कर सकता है ये थ्योरी जो थी वो इवान पेवल्भ ने दी थी जो कि जो कि बेस्ड है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हम डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग हिम द स्टिमुलस उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करके हम उसके अंदर कोई भी डिजायरेबल बिहेवियर को प्रोड्यूस कर सकते हैं सो दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलप क्लासिकल कंडीशनिंग के बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स दिए पैवलम ने और वॉटसन ने फर्स्ट दिया प्रिंसिपल एक्सटेंशन एक्सटेंशन का मतलब क्या है द ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स और द डिसंटिन्यूशन ऑफ स्टिमुलसो रिस्पॉन्स एसोसिएशन इसका मतलब है कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल को आर्टिफिशियल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस एक साथ प्रोवाइड करते हैं तो जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो नेचुरल स्टिमुलस का प्लेस ले लेता है उसको रिप्लेस कर दे स्टिमुलस भी अब नेचुरल रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर सकता है यहाँ पर अब डॉग का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि अगर नेचुरल स्टिमुलस को हर बार एलिमिनेट कर दिया जाएगा और आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है उसको प्रेजेंट किया जाएगा हर बार मतलब बेल बजाई जा रही है पर खाना नहीं दिया जा रहा तो उसका जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है वो क्या हो जाता है ग्रेजुअली डिसअबियर हो जाता है अब डॉग जो है वो अलर्ट तो होगा बट वो जो अपना सलाइवा है वो कम प्रोड्यूस करेगा यानी कि अगर हर बार उसको नेचुरल स्टिमुलस नहीं मिलेगा और सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस मिलेगा तो डॉग क्या करेगा कम सलाइवा प्रोड्यूस करेगा और उसका जो कंडीशन रिस्पॉन्स है दैट इज द अलर्टनेस जैसे वो अलर्ट हो जाता था बेल बजने पर तो अब उसको पता अब उसका माइंड फिर से दोबारा से कंडीशन हो जाएगा कि अब सिर्फ बैल ही बज रही है खाना नहीं मिल रहा जो उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा एक्सटेंड हो जाएगा यानी कि उसका ये वाला बिहेवियर क्या हो जाएगा धीरे धीरे एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा सेकेंड जो प्रिंसिपल यहाँ पर मिला हमें मिला स्पॉन्टेनियस रिकवरी स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है री रीअपेयरेंस ऑफ फॉर बिहेवियर ठीक है अब यहाँ पर जो डॉग था वो अलर्टनेस देना यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स देना भूल गया था नेचुरल रिस्पॉन्स देना भूल गया था क्योंकि उसको सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस प्रोवाइड किया जा रहा था ठीक है अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी कि फिर से उसको क्या किया जाएगा नेचुरल फिर से उसको बेल के साथ खाना मिलना शुरू हो जाएगा तो उसकी जो फॉरगॉटन बिहेवियर था जो वो सप्रेस हो गई थी उसकी मेमोरी वो फिर से क्या हो जाएगी रिकवर कर लेगा नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर आया स्टिमुलस जर्नलाइजेशन ठीक है स्टिमुलस जर्नलाइजेशन जैसे कि हमने अभी बोला कि सिमिलर रिस्पॉन्स मेड टू ऑल स्टिमुलस ठीक है अब सारे स्टिमुलस को जो डॉग है यानी कि नेचुरल स्टिमुलस फूड हो गया आर्टिफिशियल स्टिमुलस में बेल रैंग हो गया लाइट light, लाइटनिंग हो गई या फिर फुट स्टेप ऑफ द अटेंडेंट हो गया तो वो सबको सेम तरीके से क्या कर रहा था रिस्पॉन्स कर रहा था तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस जर्नलाइजेशन यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें कि जो अल्बर्ट था जो वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें क्या हुआ था कि अल्बर्ट को साथ क्या हुआ था अर्लियर वो रेबिट के साथ प्ले करता था फिर जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस लाउड नॉइस उसके साथ प्रेजेंट की गई जिसकी वजह से अल्बर्ट जो है हर एक वाइट फर वाली चीज़ से क्या हो गया डरने लगा ठीक है तो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस जर्नलाइजेशन की उसको कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो वो उसमें सेम तरीके से रिस्पॉन्स करता है ठीक है अब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ठीक है पहले जर्नलाइजेशन होती है स्टिमुलस uh, जर्नलाइजेशन फिर उसकी डिस्क्रिमिनेशन होती है तो अब इसमें है द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टिमुलस अब डॉग का माइंड जैसे जैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो डॉग का माइंड कंडीशन पहले उसको नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस इकट्ठे दिए गए जिसमें आर्टिफिशियल स्टिमुलस ने नेचुरल स्टिमुलस को यानी कि बेल बजते ही उसको लगता था कि अब खाना आने वाला है फिर नेचुरल स्टिमुलस को एलिमिनेट कर दिया गया तो उसको लगा कि अब से बेल बज रही है खाना नहीं आ रहा है लाइट नहीं अब जो डॉग है वो क्या करेगा हर एक स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट करना सीख चुका है ठीक है और ऐसा नहीं है कि वो हर एक स्टिमुलस में सेम रिस्पॉन्स देगा वो वेराइटी ऑफ स्टिमुलस होंगे तो उसमें अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा ठीक लाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं जली है थोड़ी सी लाइट जली है तो भी डॉ तो, तो भी डॉग अलर्ट नहीं होगा क्योंकि वो जो कॉन्टीन्यूशन कंडीशनिंग उसके माइंड को दी गई है उसके बेसिस पे अब उसने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया है नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशनल इंप्लीकेशन यहाँ पर है कि द चाइल्ड माइंड कैन भी कंडीशन इन सच अ वे सुज टू अचीव द मैक्सिमम टीचिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो क्या है कि टीचर बच्चे के माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकती है कि उसको नेचुरल स्टिमुलस तो देने ही देने हैं उसको ऐसे उसको स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकती है टीचर का रोल यहाँ पर यह है कि टीचर बच्चे के माइंड को कंडीशन कर सकती है टू अचीव मैक्सिमम टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग हेल्प इन लर्निंग वट इज डिज़ायरेबल एंड एलिमिनेट वट इज अनडिज़ायरेबल है कंडीशनिंग टेक्नीक है उसकी हेल्प से हम किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर को इवोव कर सकते हैं और अनडिज़ायरेबल हैबिट्स को एलिमिनेट कर सकते यानी कि हम लर्नर के माइंड को कंडीशन कर सकते हैं टू अचीव आर objective by providing him natural stimulus and artificial stimuluses and getting their respond over that so this is it for this video i hope this video will be helpful for you and if it is helpful for you please do like share and subscribe the channel thank you so much for watching